भाई ये छोटा सा क्लिप दे दिया था मैंने, सब्सक्राइब कर देना भाई। हमको तो जाना था मिल्टा पार, हमारे फ्रेंड ने कहा कि नो चलते, मैंने कहा ठीक है नो चलो। और फिर नो जाने के बाद भाई हमने क्या करा वो आप सब अभी देखना, मतलब इतनी तबाही मचाई ना वहां पे। स्क्वाड एक ही आई थी, मत सोच ना कि बंदे आए थे ज्यादा, इतनी तबाही मचाई। और फिर पहले हम उतरे 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 हवा में, उड़ते उड़ते जा रहे। मैंने कहा प्लेन ने हमको नीचे क्यों डाल दिया, पैसे तो पूरे दिए थे। लेकिन कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा भाई। अब भाई मैं उतरते 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 हम पहुंच गए नोवो, और नोवो में हमने लैंडिंग की स्क्वाड से पहले। अब हमारी साइड में एक और स्क्वाड जो कि उतर रही थी, उतरी नहीं थी, उतर रही थी। और मैंने भाई उनको देख लिया, मैंने कहा भाई स्क्वाड उतर गई यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम तो नूब बंदे। और भाई मैं चल गया S12 कैसे रश करने। मैंने देखा एक बंदा ऑफलाइन है, तो उसके पास दो तीन बंदे और खड़े थे, वो मेरे को देखते ही इधर उधर हो गए। मैंने कहा भाई गन वन मिल जाने, तो मैंने UMP उठाती और भाई थोड़ा बहुत डैमेज दिया बंदों को, और मेरी गोली लोड होने लगी इतने में। गोली लोड, बंदूक गन लोड होने लगी। और फिर मैं इधर आ गया। अब भाई AR गन तो मिली थी नहीं, SMG से काम चलाना पड़ रहा था। और भाई मैंने क्या करा इधर, मतलब इतनी ये बंदा देखो, ये बंदा मेरे बंदे को मार देगा, जो कि हमारा बंदा भी एक वैसा ही बंदा था नूब। और ये बंदा क्या सोच रहा था, मेरे को भी मारेगा। अब इनको क्या पता हम यहाँ TPP CPP ले रहे हैं, और ये बंदे इधर से आएंगे ताकि हमें पता ना चले। और हमने निकाले अपने S12 के, और ये हो गए नॉक। अब आपको तो पता है नॉक होने के बाद जरूर खाते हैं बंदा, वरना रिवाइव हो जाएगा तो हमको ही मारेगा ना। अब इनका एक और बंदा जो कंटेनर्स पे कूद रहा था, मैंने थोड़ी डरने की कोशिश करी लेकिन वो नीचे कूद गया। अब भाई हम कर ले क्या, हम क्या करते यार, मतलब क्या कर लेते हम, क्या उखाड़ लेते उनका। और ये बंदा भी आ गया, मतलब देखो क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रहा, लेट गया मेरे सामने लेट, कि भाई मेरे को मार नहीं उतार दे रहा। और एक बंदा M7 लेके इधर आ गया। अब इनको तो पता है भाई कि हम क्या, M416 से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ये बंदा आता रहा आता रहा आता रहा, इतना मैं वेट करता भाई मगा जा, और वो थोड़ी देर तक गायब हो गया। वो भाई वो मेरे को पता नहीं क्या दिख रहा था क्या नहीं, वो मेरा फ्रेंड कह रहा था कि भाई ये बंदा है मार इसको, और मेरे को बंदा भी नहीं दिखा और कुछ भी नहीं दिखा यार। मैं लूटने चला गया गोजीस, क्योंकि S12 के अरे स्कोपी, और मिल गए मेरे को मिल गया 6X, जो कि अच्छी बात है। अब भाई मैं तो मतलब खुशी से पागल हो रहा था कि मेरे को 6X मिल गया, और वो बंदे मेरे को दिख गया भाई साहब, वो बंदा मेरे को दिख गया। अब कमेंट्री में यार कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो सॉरी यार, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मेरे को मिल गई यहाँ पे M762, भाई मैंने उठा ली बैरल। और मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि मेरे से DP उठा लो चाहिए, तो मैंने कहा भाई DP तो चाहिए, बिल्कुल पक्का चाहिए DP, तो मैंने कहा इसकी क्रेट पे। मैं भाई एक ये बंदे की क्रेट, और ये इसकी क्रेट, मैंने उठा लिया M416 की जगह DP, और इसमें लगा लिया 6X। भाई ऐसा कौन सा स्कोप था जो हमारे पास नहीं था। अब भाई हम जा ही रहे तो यहाँ पे एक आ गया बंदा, जाए बोट था या नू कुछ पता नहीं इसका, और हमने भी इसकी किल चुरा ली। भाई हम चले गए इधर गाड़ी उठा के,
देखते जाओ कहाँ पे जा रहे भाई। चलते चलते हम थोड़ी देर रुके यहाँ पे रिज पे। भाई मैं शुरू में लगा यहाँ पे कैंप कर लो, फिर मैंने देखा कि बंदे नहीं है यहाँ पे, और भाई मैं यहाँ पे कैंप करने लगा थोड़ा सा, थोड़ा कैंप मतलब करा भी नहीं शायद, और करके मैंने यहाँ पे कैंप जो बंदों को मारा ना वो आप सब देखना यहाँ से। अबे मैं तो ना डीपी से बंदे देखने लगा कि कहाँ पे नहीं, कि मेरे को तो कोई बंदा दिख नहीं रहा था, ऐसे ही पिक फायर दे रहा था। और भाई मैंने क्या करता, गाड़ी उठाने के चक्कर में था मैं कि भाई तू गाड़ी उठा और यहाँ से निकल। भाई मैं गाड़ी के पास जा रहा भाई मैंने उठाई गाड़ी, उठा के मैंने गाड़ी, गेम इतना लैग हो रहा था कि रिकॉर्ड करते हो भाई, मेरे को दिक्कत ड्रॉप, तो मैं ड्रॉप पे जाने लगा। भाई मेरे को दिख गया ड्रॉप, अब भाई मैं ड्रॉप पे था, मेरे को जाना था पक्के से कि भाई माल मिलेगा ड्रॉप से, माल मतलब सामान। मैं AWM की तलाश में गया था, लेकिन वहाँ पे तो मेरे को सिर्फ मेडिकिट मिली। अब भाई मेडिकिट तो मेरे पास एक भी नहीं थी, चल कोई नहीं, ये भी अच्छा हुआ। अब भाई मैं जाते रहा, मैंने सीधी ड्रॉप में गाड़ी ठोकी, जाती मतलब मैंने ड्रॉप में गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ठोकते ठोकते ठोकते। अब भाई मैं ड्रॉप लूट के आ गया, इधर के ड्रॉप पे कोई बंदा आएगा, इतने में भाई नूबड़े हमारे बोट साहब आ गए, अब इनको तो मारना था, और इनके मेरे को कपड़े अच्छे लगे, इनके कपड़े भी चुराऊंगा मैं यार, सी नहीं कि मेरे को कपड़े अच्छे लग गए इनके, थोड़ा भाई चिड़ा भी ला लेते कि भाई मार मेरे को मार। तो भाई मैं बोल लगा भाई जय भारत माँ की, तो भाई इनने भी कहा जय भारत माँ की, और मैंने इसको मार के से कम की एमोली, और भाई इसके कपड़े चुरा लिए, जो कि आदत है मेरी कि जिसके भी कपड़े चले, और मैं मार मूर के बोट को इधर आ गया कैंप करने, मैं इधर आ गया कैंप करने, भाई थोड़ा बंदे बंदे ढूंढूंगा मारूंगा। अब भाई क्या कर रहे, हमारे नसीब में बंदे ही कहाँ थे, तभी तो किसी ने कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो औकात ही नहीं थी। अबे औकात की सबकी होती है यार, कुत्ते की भी औकात है, अब देख तो। और इधर से पड़ी हमको कार 98 का चाटा, भैया हम क्या करें कार 98 के चाटे से। मैं देखने लगा कि बंदा कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है, और मैंने एक पैन कलर वगैरह ली और निकल गया भाई, देखते बंदा कहाँ पे है, यहीं पे बंदा दिखा था मेरे को, लेकिन दिख नहीं रहा ना वो। अब भाई बंदा दिखता गया था नहीं, दिक्कत था, और वो बग्गी लेके निकल जा रहा था, तभी भाई मैंने उसको देखा, लेकिन मारा नहीं, गाड़ी उठा के उसके पीछे लग गया मैं कि भाई तेरे को जरूर मारूंगा मैं, तूने मेरे को बहुत दिक्कत दी, नहीं क्यों दी तूने मेरे को दिक्कत। अब मैं चल इसके पीछे लगने DP लोड करी मैंने, और भाई तुम्हारे भाई का देख लो, लग गया इसके पीछे कि भाई ये बंदा मारना है तो मारना। अब भाई इसमें पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। अब मैं लग गया इसके पीछे, जाते 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 वापस लौटने लगे, दो तीन बंदे थे ना यहाँ पे। अब जाते जाते यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ दिखा, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी नहीं, तो मैं क्या, अब एक वो वाले बंदे क्या कर रहे हैं और वहाँ पे देख रहा कि बंदा, और उसको भाई मेरी इज्जत की तरफ था ना,
कि इसको डैमेज इसको लेवल वो गिली सूट वाला बंदा जाके उधर लेट गया। अब भाई मैंने कहा छोड़ने वाला तो मुझे हूँ नहीं। अब मुझे तो डर लगने लगा था फिर मारना थे और मैं जाके पत्थर के वहां पे पी लेने लगा। मैंने देखा बंदा दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा उधर को जाने की कोशिश कर रहा था और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बंदा कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है और मैं थोड़ा उधर गया। उसने मेरे को ओग चलाई ओग जो मेरी काफी और इधर से भी एक बोट आ गया था सर। भाई इस बोट को तो मैंने मार दिया। अब बारी थी गिल सूट वाले बंदे की। अब वो भाई सब हमको दिख भी गए। अब मैं सोच रहा था कि नेट से मार दूँ इसके। भाई नेट से तो इसकी मौत है इतनी। इसको तो हमारी डीपीवी शिक्षक से ही मरना था। अब क्या करे भैया किस्मत क्या किस्मत का खेल है सब। अब भाई मारने लगा भाई बंदा दिख नहीं रहा। मैंने थोड़ा फायर सा किया कि बंदा दिख जाए लेकिन बंदा है कि दिखा मेरे को वो लेट रहा था इसलिए मैंने थोड़ी पार वैसे ही करी थी और मैं देखने लगा जंप करके और मेरे को बंदा दिख भी गया। बस एक तक तो डीपी में और उसने हमारे फिर ओग चलाई अपने पापा को ओग चलाता है। अब भाई नेट से ही दिखती थी। भाई क्या करें नेट से तो वो मरने वाला था नहीं क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये कहने वाले बंदे तू क्या है बस यार मैंने दो नेट फेरे मेरी हो गई यार तू बंदा गया है। अब भाई डीपी कहते और फिर हम इसको लूट लाट के इधर आ गए। इसको लूटने के बाद यहाँ पे मिला हमको बंदा। भाई इसने तो हमारे पास वो फायर किया मतलब क्या हुआ कुछ पता नहीं कार 98 कम पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं कुछ पता नहीं। बंदे को मैंने मार दिया हमारे 10 किलो हो गए थे और एक और बंदे आ गए हमारे मारूंगा तेरे को उसको भी हमने मुक्ति दे दी। मुक्ति देने के बाद मैं फिर से गाड़ी उठाई बाबा यहाँ पे आ गया। अब भाई देख लो लगा बंदा कहाँ पे बंदे और एक बंदा मैंने तोड़ देखा कार 98 तमाचा मारना चाह रहा था लेकिन दूसरा चोट लगा भाई और इसको लग गया पट्टा से हेडशॉट जो कि आपने देखा होगा। कोई मैं गाड़ी टाके जाने वाला था अबे मैं गाड़ी उठा के जाने वाला था। थोड़े बंदे देख लो इधर कहाँ पे बंदे हैं मैं थक गया यार जाना था मेरे को और मैंने अपनी गाड़ी उठाई और भाई निकल गया। हम निकलते हैं मैं पहुंच गया इधर एक घर के पास। अब यार कमेंट्री मेरी थोड़ी गंदी लग रही है। इस घर के पास जाने के बाद बेसमेंट है बंदा जो कि मेरे को मार रहा था उसको पता नहीं किसके पापा खड़े इधर को तो मारना था ना मेरे को। तो भाई अगर हम नहीं मार तो उसको हम मारेगा और वही इधर से मेरे को थोड़ा फायर सा था मैं इधर देखने लगा और फिर मैंने एक लगाया अंडरलाइन सूट जिसको आप हिंदी भाषा में कहते हैं प्यार से सुहा। तो इसको लगाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी उठाई भी देखने लगे देखता रहा कि बंदा कहाँ पे है। भाई मैं इधर देखने लगा क्योंकि बहुत गाड़ी उठा के देखने लगी बंदा कहाँ और मैं गो जोन के मतलब इधर और मैं जोन से बाहर भी आ गया था। एक सेकंड को मेरे को बंदा
दिख भी गया थोड़ा थोड़ा और मेरे के कितने नेट का रेस्ट को कार 98 का पट्टा चाहे हेडशॉट लगाएंगे और इसको लगा कार 98 का पट्टा चाहे हेडशॉट लास्ट में लगा कार 98 का पट्टा चाहे हेडशॉट विनर विनर चिकन डिनर हमारे खड़े सीना तांग